कवर्धा जिले में बेगा बाहुल्य क्षेत्र सोनवाही गांव में उल्टी और दस्त से दो बेगा आदिवासियों की जान चली गई। मौत की सूचना के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल वहां पहुंचे और मृतकों के परिवार वालों से मिले और मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। उन्होंने वनांचल क्षेत्र के झलमला गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व सीएम ने स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सोनवाही गांव में पांच बेगा आदिवासियों की उल्टी और दस्त से जान जा चुकी है, जिसको जिला प्रशासन छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ अभी आया तो पांच लोगों की मृत्यु हो गई और एक तो ऐसे कि जो महिला खत्म हुई उसकी गोद में बच्ची थी, अब उसके पास जेको पार्जन कुछ भी नहीं, अब वो आदमी मजदूरी करे कि बच्चे के पाले। ये स्थिति यहाँ है बनी हुई और ये विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, इनका तो विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अभी आज ही मच्छरदानी बांटे हैं, वो भी मैं समझा था सब घरों में दिए होंगे, लेकिन ये पता चले जिनके घर मृत्यु हुई उनको एक एक दिए हैं। वो लोग भी कहते हैं भाई हमारे घर में पांच सदस्य हैं, एक मच्छरदानी दे उसका कैसे होगा। तो मच्छरदानी भी पर्याप्त नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं हैं।